मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। इसी से ही मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और ये मैंने नए मौसम का नया लहसुन लिया है जो आजकल नया फ्रेश होता है। जो पुराना लहसुन होता है वो ड्राई होता है, ये बिल्कुल वो गीला सा लहसुन है। तो इसको मैंने सोचा मैं आपके साथ ये भी रेसिपी शेयर करूँ। इसको मैं इस तरह छीलती हूँ जैसे मैं छील रही हूँ, सारा छील के। तो इसके मैंने ये सारे बना के रख दिए, एक आपके लिए रखा दिखाने के लिए। अब ये इसको मैंने पीसना है, ये सारे इसके लहसुन के जो जोए हैं ना, ताज़ा फ्रेश लहसुन के। अब आजकल ये सस्ता भी है बहुत, और इसे पीस के इस काम में लाया जा सकता है कि हम जैसे हम सूखा ड्राई लहसुन को पीसते हैं, उसके छीलते हैं, इसको छीलना भी नहीं पड़ेगा। ये सारे मैं ऐसे जैसे अलग कर रही हूँ तो इसके जो छिलके हैं वो रिमूव हो जाएंगे सारे, और ये इसका पूरा पीस में मैंने ये मोटे ये वाले छिलके रिमूव होने, ये बड़े बड़े छिलके जो उसके तुरियों के ऊपर लगे हुए हैं वो नहीं उतारूँगी मैं, वो सारे मैंने ऐसे ही पीस लेने। बस इसके जो बड़े बड़े से पार्ट निकल रहे हैं ये मैंने निकालते जाना है, और इस तरह मैंने सारा ये पीस निकाल ली पीस, और इसे मैं पीस लूँगी। आप इसे अलग से पीस सकते हो। ये इसका ये निकल आया, ये सारा सिर्फ ये रिमूव करना है हमने, बाकी ये वाले जो हैं ऐसे साबुत ही मैंने पीस देने, और बहुत अच्छे पीस जाते, पता ही नहीं चलता कि ये बड़ी कितने छिलके हैं, कि छिलके हैं या नहीं है। इस तरह करके ये सारे मैंने एक प्याली के करीब, ये मेरे पास लहसुन है, ये अदरक है, अदरक भी मैंने काट लिया मोटा मोटा सा, और अगर आप चाहो तो खाली इसको पीस लो लहसुन को। मैं इसे मिला के पीस रही हूँ, कुछ लोग अलग अलग से भी पीसते हैं तो मैं अलग से पीस रही हूँ इसको। जो फ्रेश आजकल की गर्मियों के मौसम का लहसुन आता है, सबस होता है इसे कहते हैं, हरा सबस जो पहले होता है उसके बाद फिर ड्राई होके थोड़ा सा ये फिर इस शक्ल में आता है, वो सूखा हुआ लहसुन नहीं है जो कि हमें ड्राई मिलता है फिर उसे छीलते हैं, वो वाला नहीं है, ये दूसरा है जो आजकल मौसम सीज़न के हिसाब से आ रहा है लहसुन। तो ये मैं इसे सब मिला के पीसती हूँ। थोड़ा सा पानी मेरे पास है, आधे आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये इसमें जाएगा। पानी बॉयल करके डालना है, बॉयल पानी आम नलके से लेंगे पानी तो वो फ़ौरन ही इसे फंगस लग जाती है, लहसुन अदरक जो पीस के फ्रिज में रखना है नीचे वाले हिस्से पे। तो ये बॉयल पानी ज़रूर इसमें शामिल करना है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगी, ऑयल भी एंड पे डालना है, वो भी लहसुन को ख़राब होने से बचाता है, और ये जो बॉयल पानी मैं दिखा रही हूँ ये भी लहसुन को ख़राब होने से बचाएगा। तो इससे हमारे 2 से 3 हफ्ते लहसुन फ्रिज में नीचे बड़े आराम से चल जाएगा। तो मैं ये पीसती हूँ। ये इसमें 2 टेबल भर के समझो कि ये 2 टेबल मैं इसमें डाल रही हूँ। जितना मैंने पानी दिखाया था आधे कप से कम वो सारा इसमें पानी चला गया। ऑयल में इसमें एंड पे जाएगा, पिस चुका है सारा, मैं दिखा दूँ आपको ये सारा पिस गया। तो अब मैं ऑयल के साथ इसे थोड़ा सा पीसूंगी बस। ऑयल इस तरह डालने से इसे सेव करता है ऑयल, अगर मैं दरमियान में सारा इकट्ठा डालूंगी तो उसे कोई सेफ्टी नहीं मिलेगी लहसुन अदरक को।
ये बहुत अच्छा सा पिस चुका है, बहुत मुलायम सा, छिलके पता ही नहीं चल रहे इसमें छिलके, वो इतने पतले छिलके होते हैं कि पीसने से वो सारा उसका असर भी निकलता है, उसका लहसुन ही समझो वो छिलके भी होते हैं, और ये उसमें पिसने में भी कोई इसमें नज़र नहीं आते, और खाने में शामिल करेंगे तो उसमें भी नहीं आएंगे। अब इसमें पूरे जो मैंने डालना था पानी ऑयल और डाल के ये तैयार है।